बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल भैया, ये आ गया हमारा चॉप्ड अनियन, साथ में हमारी आ गई ग्रीन चिलीज, ये हमारा आ गया जिंजर, ये आ गया हमारे टमाटोज। ठीक है, डिश होने वाली है बड़ी मस्त वाली, साथ में ये हमारे न्यूली इंस्टॉल्ड भाई हॉब, मस्त एकदम 3 बर्नर्स के ऊपर हॉब है हमारी, मस्त हॉब। तो भैया जहाँ की सराउंडिंग्स अच्छी हों वहाँ चीज़ें भी बड़ी मस्त बनती है भाई, अपना तो मानना यही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ में ये आ गए हमारे मसाले भाई, मसाले भी अपने ओरिजिनल वाले घर के मसाले जो भी होते हैं, जो यूज़ होते हैं कॉमनली, नो आर्टिफिशियल मसाले। तो डिश होने वाली है बड़ी मस्त, बने रहना व्लॉग के अंदर। और भैया चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तृप्ति मोद फैमिली चैनल सब्सक्राइब, बहुत ही मज़ेदार आज भाई मस्त वाली डिश आने वाली है। गाइस यहाँ रख दिया अपना कुकर भैया, साथ में आ गया मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि जो डिशेस होती हैं वो मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही अपने को तो बेस्ट लगती हैं। यहाँ डाल दिया हमने अपना मस्टर्ड ऑयल, अब आएगी ख़तरनाक वायरल डिश भाई। व्लॉग स्टार्ट करे हुए आपके साथ हो गया थोड़ा सा टाइम, तो भैया आप गेस करो कि क्या बनने वाला है एकदम, क्योंकि बनने वाला है बड़ा ही मस्त। अगर गेस कर लेंगे तो भैया कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब यहाँ हम वेट करेंगे कि हमारा जो है मस्टर्ड ऑयल ये पूरा हीट अप हो जाए, इसमें से धुआं निकलने लग जाए, उसके बाद हम डिश आपके साथ तैयार करना शुरू करेंगे, रेसिपी एकदम फर्स्ट क्लास एकदम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहना व्लॉग के अंदर। रॉ वेजिटेबल भाई गेस कर दो आप, रॉ वेजिटेबल बोल लो, रॉ सब्जी बोल लो, ये है वो, ये क्या है क्या नहीं है आपको दिखाएंगे जब आप व्लॉग में बने रहेंगे। तो ये बनने लगा है आज, उसके लिए हमने सब कुछ चॉप कर लिया, आपने देख लिया है। और ये देखो ये हीट अप हो रहा भी हुआ नहीं है, और ये हमारी गुग्गू। गाइस मैं बता रही हूँ आज जो हम चीज खाएंगे ना उसमें प्रोटीन है, फुल प्रोटीन है। तो भाई ये इतना इसके अंदर फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ, और बस हिंट दे दिया इसने आपने, तो आपने गाइस एकदम गेस करना है कि भैया क्या बनने लगा है। ठीक है, तो दिखाते हैं गाइस को, चलो आओ पता चलेगा वो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस यार डिश को बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल से, कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे आपको, एकदम देसी स्टाइल से दिखाएंगे। किचन हमारी देख लो पूरी सेटअप है, आपको जो रेसिपी है वो एकदम देसी स्टाइल की रेसिपी, एकदम देसी स्टाइल में ही बनाएंगे। ठीक है, तो आओ लेके चलते हैं आपको अपनी रेसिपी की तरफ। और ये देखो ये कैसे तड़के मार रही है, कैसे ये हो गया अपना तेल जो है मस्टर्ड ऑयल जिसको हम बोलते हैं हीट अप, ये देखो धुआं पूरा निकल रहा है। अब इसके अंदर जाएंगे तड़के वाले मसाले, तो बने रहना व्लॉग के अंदर, चेक करो। तो ये जा रहा जी तेजपत्ता, तेजपत्ते के साथ गया ये जीरा, जीरे के साथ गई भैया इसमें मेथी, ये गया मेथी दाना, मेथी दाने के साथ भैया इसमें डाल देंगे हम अपनी प्याज जो कि हमने काट रखी है। भैया शेडो आ रही है, शेडो को इग्नोर कर देना। और ये गया अपना प्याज, जो प्याज हमने चॉप करा था ये गया प्याज, ये खूब सारा प्याज डाल दिया भाई इसमें, ये हमारा चला गया इसके अंदर प्याज। तो वीडियो क्लैरिटी के लिए कर ली हमने अपनी फ्लैश लाइट ऑन, और यहाँ लगेगी छेड़े, ये लग गई भाई अपनी छेड़, ये देसी स्टाइल में छेड़ भाई, इसको हिला दिया हमने प्याज को। प्याज को भूनेंगे हम ख़तरनाक तरीके से जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। ओके, मसाले डालेंगे बाद में, वो भी आपको चेक कराएंगे, बने रहना ब्लॉक के अंदर। गाइस यार एक चीज़ याद आ गई, इसके अंदर हम साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, क्यों, क्योंकि प्याज जो है बड़ी जल्दी इसमें गलता है, तो ये डाल दिया हमने अपना सॉल्ट। ये देखो ये सॉल्ट साथ में ना नमक, ये डाल दिया नमक भाई, नमक डालने के बाद इसको फिर से एक बार ही छेड़ दे दी, ला दिया इसको। ओके, इतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल धो के लाते हैं, धोने के बाद फिर इसमें एंड में एक ट्विस्ट है वो भी दिखाएंगे आपको। पापा ने तो गाइस स्वाद अनुसार मिर्ची भी डाली, नमक। इसके गुगू की आज हमारी थोड़ी सी भाई चेस्ट में जो है हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है, कोल्ड हो गया हुआ इसको, ये देखो, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ इसकी ढीली है। तो ये गाइस साथ में जा रहा हमारा हल्दी पाउडर, ये डाल दिया हमने हल्दी पाउडर, चेक करो ये देखो ये हमारा साथ में गया हल्दी पाउडर। अब इसको कर दिया हमने जरिए फिर से ऐसे, गैस को कर देंगे हम सिम, और अपनी वेजिटेबल हम लाएंगे धो के। हमारा जो प्याज है ये भुनना शुरू हो गया, देखो आप कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है, ये देखो प्याज का, कितने प्यारे प्याज भुन रहे हैं। अब प्याज भुनते भुनते अब आपने तो गैस करा है नहीं करा है वो देख लेंगे बाद में,
पर भैया साथ में जाना लगा हमारा फुल प्रोटीन वाला सामान, तो दिखाते हैं आपको। क्योंकि हम पहले टमाटर नहीं डालते, हम पहले इसको भूनेंगे प्याज के साथ अपनी सब्जी को, बाद में ऐड करेंगे टमाटर और एंड में दिखाएंगे भाई आपको टेक्सचर। पूरा व्लॉग एंजॉय करो आप। लास्ट में आप लास्ट में कमेंट करके बता देना, फिर हम समझ जाएंगे आपसे। ओके डन 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 डन, अभी प्याज जल जाएंगे मेरे जाएगा। तो ये जाने लगा है जी, ये देखो ये फुल प्रोटीन जिसको गुगू डिस्क्राइब कर रही थी, लेग पीस हमारे चिकन वाला, ये गया हमारा भुनते हुए प्याज के अंदर। ये देखो चेक करो भाई, चेक करो, मस्त मस्त मस्त। तो आज जब डन हो जाएगा पूरा तो आपको इसका टेक्सचर, इसका कलर दिखाएंगे। अभी मसाले भी चेक कराएंगे आपको कि इसके अंदर क्या जाएंगे। भाई खुशबू इतनी मस्त आई है और इतना प्यारा टेक्सचर आ चुका है इसका भी चिकन का कि आपको क्या बताऊँ। अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करा तब भी भैया इतना मस्त लग रहा है ना, ये चेक करो आप। ये देखो ये प्याज के अंदर पूरा भुनेगा, उसके बाद हम इसके अंदर। गाइस आप चीटिंग मत करना, पहले ही बता दे कमेंट कर। हाँ कि हमने क्या बनाया है, हाँ। है ना, ये आगे वाला व्लॉग मत देखना, पहले बता। कुछ भी कहो ना, कुछ भी सुनो ना, जाए शायद यही तो प्यार है। रेसिपी बन के हो गई है तैयार, टाइम हो गया रात के 9 बज गए हैं और बाय बाय करने के लिए आए हैं। आपको एक शॉट दिखाएंगे कि कितना सॉफ्ट बना है वो, ठीक है, अगर मौका लगेगा तो, और नहीं लगेगा तो भाई उसके लिए सॉरी। बाकी चिकन तो बना है बड़ा मस्त, तो जा रहे अपने घर और बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। यार इतनी मस्त हवा चली हुई है, इतनी खतरनाक वाली ना, तो करेंगे इस व्लॉग का एंड।